अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है मीठे में कस्टर्ड और जेली रफा। एक लीटर दूध है, इसको हमने गर्म किया है, आधा इसको ठंडा करने रखा है, जिसमें हम कस्टर्ड मिलाएंगे, दो चमचे वो चखाने चावल वो सालन निकालने वाले हैं दो चमचे, और चीनी हसबे जायका है, और ये बादाम अखरोट है, और ये जो है ना कस्टर्ड में लेयर लगाने के लिए हमने रखा हुआ एक बेक बटर का केक जो है ना कस्टर्ड में इसमें लगाया डालेंगे। ये दूध की मलाई है जो हमने खीर से उतार के ठंडा करके रखी हुई है, और यह जेली है, हमने जेली में दो कप पानी को गर्म किया है, वो ठंड इसमें दो कप जेली का पानी गर्म हुआ था, फिर इसमें हमने जेली डाली है, उसको हला के मिक्स करके इसमें प्लेट में रखा हुआ है सर्विंग के लिए ऊपर कस्टर्ड में डालने के लिए। यह चीनी है, इस पर जायका अपने अपने मीठा अपने हिसाब से रखना, ठीक है। अब हम बनाने की तैयारी करेंगे। ये कस्टर्ड है, ये दो चमचे हैं, अब इसमें ये चमचे दो कस्टर्ड के डालेंगे, और दूध को हम चाहेंगे स्टोव पे, फिर इसमें चीनी डालेंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर इसमें कस्टर्ड डालेंगे। अब ये कस्टर्ड हल हो जाएगा, फिर हम दूध को स्टोव पे चढ़ाएंगे, वो दूध गर्म होगा, फिर इसमें चीनी डालेंगे, चीनी डालने के बाद कस्टर्ड डालेंगे। एक लीटर दूध है, एक लीटर दूध में ये दो चमचे कस्टर्ड के, इसको हल करना है, फिर दूध को स्टोव पे रखना है, वो दूध गर्म होगा, इसमें चीनी डलेगी, चीनी मेल्ट होगी, फिर इसमें कस्टर्ड डालने के लिए आसान से कस्टर्ड डाल के हल करना है। अब दूध उबालने पर आ गया है, अब उस पर चीनी डल रही है, चीनी अपने हिसाब से डालेंगे, हमें आधा कप चीनी डालना है, इसमें केक भी डलेगा ना, केक भी मीठा है। अब इस स्टेज पे कस्टर्ड डलेगा, अब ये कस्टर्ड का वजन जो हिसाब है ना बिल्कुल परफेक्ट है, लोग जो है ना बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, वो इसलिए वो कस्टर्ड ज़्यादा कम डालते हैं, पतला पतला हो जाता है, नहीं तो पकने के बाद बिल्कुल सही सी बिल्कुल थिकनेस सही आ जाएगी, न ज़्यादा गाढ़ा होगा न ज़्यादा पतला होगा, बिल्कुल सही थिकनेस चाहिए। ये जो चमचे जिस चमचे से चला रही है वो दो चमचे डाले हैं एक लीटर दूध में, दो चमचे भर के डाले हैं, ये इसका मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल थिकनेस सही हो गई है इस स्टेज पे। इसको पकाने का जो टाइम है ना 10 मिनट है, सही बिल्कुल परफेक्ट पक जाएगा कस्टर्ड, इसको चलाना है बिल्कुल परफेक्ट चलाना है, छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ेगा तो कस्टर्ड लग जाएगा, सिमर आ जाएगी और गुठलियाँ बन जाएगी, वो टेस्ट नहीं रहेगी जो कस्टर्ड की आती है, इसको बिल्कुल चलाना है छोड़ना नहीं है। अब जो है ना इसी सब आपको देखें बिल्कुल थिकनेस सही आ गई है, परफेक्ट, न पतला है न इतना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल सही है। अब इसको बावल में निकालने का सर्विंग करने का टाइम है, बिल्कुल तैयार है, सर्विंग करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपकी हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी हमारी ये रेसिपी कस्टर्ड और जेली की, ट्राइफल कस्टर्ड है।